वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी दौरे पर बाड़मेर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में उन्होंने यहां पर जनसभा भी की। आपको बता दें कि यह जनसभा आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुई। सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए। हमारे कार्यकाल में प्रदेश में काम होता है लेकिन भाजपा के नेता बस जुमलेबाजी करते हैं। एक रिकॉर्ड कायम करो, बाड़मेर सीट से एक एक वोट कीमती होता है। आप लोग जाके मिलकर के शानदार तरीके से कैंपेन करो और भाई मानवेंद्र सिंह जी को आप लोग कामयाब करो, ये मुझे आपसे कहना था, इसलिए मैं हाजिर हूँ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।